नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में एसटीएफ की बड़ी छापेमारी, 4 करोड़ से अधिक की पुरानी करेंसी बरामद। रुद्रपुर में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, हटाए गए एसएसपी दलीप सिंह। मुसीबत में स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी, पत्रकार से बदसुलूकी पर एक और मुकदमा दर्ज। कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लगाया 1400 करोड़ घोटाले का आरोप। उत्तराखंड में सपा ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची, 30 उम्मीदवारों को मिला टिकट। जनपद चमोली थराली विधानसभा के प्राणमती गांव में सड़क सुविधा न होने के कारण ग्रामीणों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहां ग्रामीणों ने कुर्सी के सहारे गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शासन और प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस क्षेत्र की सुध नहीं ली। आक्रोशित ग्रामीणों ने अब रोड न होने के चलते चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। देखिए, जो सिचुएशन जो अभी चल रही है, ये सारी जो रोड के कारण है, ये इसका प्रकोप है कि हमारे यहाँ रोड नहीं है। और इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे ग्राम प्रधान कनोल ग्राम पंचायत से, क्षेत्र पंचायत, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, रोड के संबंध में यहाँ से देहरादून, गोपेश्वर और पौड़ी तक रोड की फाइल गई है, जहाँ से कि अभी डिक्लेरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। और इसी संबंध में अब हमने बहिष्कार का भी इस बार चल रहा है। देखो क्या होता है कि सरकार की क्या इसमें सरकार क्या सुझाव देती है और क्या यहाँ पे इसका वो निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। वैसे तो कई माध्यमों से, क्योंकि 2018 की मुख्यमंत्री की घोषणा थी ये, उसके संबंध में जो ये फॉरेस्ट का क्लेरिफिकेशन है, ये नहीं मिल पा रहा है हमें। तो क्या कारण है, हम ये सोचते हैं कि ना तो फॉरेस्ट का कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे देखने के लिए आया है और ना तो अभी तक उनने डिक्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। जब भी दे रहे हैं वो आपत्ति में आपत्ति दे रहे हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया और फेसबुक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से ये वीडियो फैलाया जाए और इसमें जितने भी लोग अगर इसे देखें तो क्या सिचुएशन क्या सही लग रहा है। इसके बाद जो डिलीवरी वाला केस है, तो कई बार अनहोनी केस भी इस गाँव के अंतर्गत चला है और 5 किलोमीटर का ये दायरा है हमारे पास। और ये आने वाले समय में बहुत विकट परिस्थिति होने वाली है। इसके चलते यहाँ पर बर्फ भी गिरती है, जो कि फिसलन के कारण काफी दिक्कतें आ रही है। और मैं यही चाहूंगा कि पूरे उत्तराखंड से कि भाई इसमें क्या सुझाव होने चाहिए और क्या फॉरेस्ट विभाग इसमें डिक्लेरिफिकेशन देता है नहीं देता है। हमने इस बार बहिष्कार का भी रखा है, चुनाव बहिष्कार करेंगे हम पूरी ग्राम पंचायत कनोल प्राणमती बड़गुना, तो तब देखो। धन्यवाद। रुद्रप्रयाग विधानसभा में सड़कों की बदहाली सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बधानी ताल को जोड़ने वाली सड़क की बदतर हालत सरकार की उदासीनता को उजागर कर रही है। इस मार्ग पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। स्थानीय लोग लंबे समय से इस मोटर मार्ग के सुधारीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब स्थानीय लोगों ने सड़क के सुधारीकरण को लेकर चुनाव बहिष्कार का मन बना लिया है। दरअसल इस मोटर मार्ग पर बिछाया गया डामर इतना घटिया था कि बिछाते ही उखड़ने लगा था। इस पर ना तो कहीं नालियों का निर्माण हुआ है। घटिया निर्माण के चलते इस मार्ग की स्थिति दयनीय बनी हुई है। हर बार मार्ग पर सुधारीकरण के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मार्ग पर मौजूदा समय में चलना बेहद कठिन है। डामर इतना घटिया था कि बिछाते ही उखड़ने लगा था। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार, मैं हूं संदीप भटकोटी और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आज हम पहुंचे हैं जखोली ब्लॉक के बांगर क्षेत्र में और बधाणी गाँव में। जब हम यहाँ से मयाली से यहाँ चले, यानी मयाली जो जखोली ब्लॉक का सेंटर है, केंद्र बिंदु है, मयाली से हम जब यहाँ चले इस रोड पे, पूरी रोड पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील है। जगह जगह रोड उबड़ खाबड़ है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई आसानी से कोई सफर नहीं कर सकता है, क्योंकि दुर्घटना का भी खतरा है। कई जगह रोड इतनी खतरनाक है, इतनी ढलान युक्त है, इतना वहाँ पे पूरा कीचड़ है, मलबा है, कि वहाँ पर आसानी से दुपहिया वाहन भी नहीं चल सकता है। ऐसी खतरनाक रोड यहाँ पे है। और आप लगा सकते हैं अंदाजा कि राज्य गठन को लगभग 21 साल लग चुका है और आज भी इतनी घनी आबादी वाले क्षेत्र में सड़कों की ऐसी हालत है। और आप ये भी समझ रहे कि सड़क विकास में सबसे बड़ा आयाम सड़क होती है, लेकिन बहुत बड़ी दुर्दशा है। और बधाणी गांव में हम पहुंचे। बधाणी गांव एक जाना माना गाँव की पर्यटन के क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे बधाणी ताल है, आप ठीक सामने मेरे देख सकते हैं, बधाणी ताल के नाम से ही बधाणी गाँव है। और सड़क इतनी खराब है, तो जो यहाँ पे पर्यटक आते हैं वो किस हालात में यहाँ पे आते हो आप समझ सकते हैं। खैर, बकायदा यहाँ पे प्रधान जी हैं गाँव के, उनसे पूछेंगे सबसे पहले। प्रधान जी, सबसे बड़ा सवाल यही करेंगे आपसे, सड़क बहुत खराब है, पर्यटक स्थल आपके सामने है, कितनी दिक्कतें हो, बहुत बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पे होती है। महोदय जी, आपने जो यहाँ पे आप आए हैं, उपस्थित हुए हैं, आपने बहुत ही अच्छा और रियल ढंग से आपने विख्यात में रोड के बारे में कहा। यहाँ की रोड की बड़ी हालत खराब है, 2 दशकों से ये रोड ऐसी ही पड़ी हुई है। कई सरकार
आ चुके हैं, कई विधायक आ चुके हैं, इन्होंने अभी तक रोड का कोई मैटर पास नहीं कर पाए। जब बड़ेताल 13-14 अप्रैल को जब मेला होता है तो मेले में भाषणबाजी की जाती है, कहीं मंत्री ने पूरा मंडे नहीं बताया। दूसरी प्रधान जी एक सवाल करेंगे, 20 साल हो गए राज्य गठन को, बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है, जाना माना पर्यटक स्थल है, जब यहाँ तक सड़क नहीं पहुँच पाती, एक अच्छी सड़क, फिर से चुनाव है, क्या उम्मीद करेंगे अब आप, कैसे विधायक चुनेंगे, किस प्रकार की सरकार बनाना चाहिए, क्या उम्मीद है? मैं पहले बोल चुका हूँ सर जी कि हम विधायक वोट उसको देंगे जो यहाँ पे 9 किलोमीटर रोड काटे, नहीं तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। अच्छा। और यहाँ कोई वोटिंग नहीं की जाएगी। यानी जितने लोग नेता लोग मंच पे बात करते हैं वो सब झूठे, सड़क पे ऐसी है फिर यहाँ की सड़क तो ऐसी पड़ी हुई है, ऐसे मंचों पे कह दिया महकों पे, ये हो गया सो हो गया, विधायक लोग आते हैं बाहर से आते हैं विधायक लोग और बोलते हैं ये रोड हम बनाएंगे, जनता को क्या करते हैं वो लोग ऐसे जैसे बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने, और रोड की हालत हुई है, जब अब तक हॉल मिक्स नहीं हो पाया, रोड की हालत पूरी सरकार जानती है, हमारे देहरादून उत्तराखंड की सरकार है, केंद्र की सरकार भी जानती है कि रोड की कितनी बड़ी समस्या है, और रोड अभी ठीक ठाक हो नहीं पाई, और जो आगे का मैटर है हमारा 9 किलोमीटर का, उसके बारे में हमने अभी 2 महीने पहले यहाँ पे हमने सिविल वो किया, धरना पर रहे हम, हमारे माननीय चरणजी प्रसाद जी सामाजिक कार्यकर्ता उनके साथ सारे, और उसके बाद कुछ कार्रवाई, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारे फाइल है वो अपलोड हो चुकी है, केंद्र सरकार ने उसको पारित करना है, नहीं हो पाया, जनता की बात नहीं। आपको क्या लगता है कार्रवाई होगी अगर फाइल को? कार्रवाई सर हमने तो दस्तखत कर रहे हैं और अभी तक रोड का मैं आपको उम्मीद है कि कार्रवाई होगी? कार्रवाई कर चुके हम। अच्छा, सारे लोग धरना दिया हमने, रैली निकाली हमने, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो पाया। और भी आपका नाम क्या है? मेरा नाम गबर सिंह है। अच्छा बताइए, आप सड़क की बहुत खराब स्थिति है, सड़क की ऐसा है सड़क जब पूरी ना चुप है, यहाँ से जो यहाँ से 20 मिनट का रास्ता होता है वो 2.5 घंटे ही लगता है। अच्छा बहुत टाइम लगता है। अच्छा, बारिश होती बहुत दिक्कत होती है, बारिश होते पूरी दिक्कत है, हमारे वो ऊपरेट है यहाँ पर सब होते हैं, तो उसको ले जाने के लिए जो है हमको बहुत तकलीफ उठाना है, क्योंकि रोड ठीक नहीं है, कटा है, अप डाउन है। आपके क्षेत्र में तो बड़े बड़े नेता हैं, कुछ करते नहीं? अरे ये नेता तो खाली, आज जब मैंने पहली बताया था कि ये नेता यहाँ पर घोषणा कर दिया कुर्सी मिल जाते तो यहाँ देते नहीं, फिर वोट तो फिर आप उन्हीं को देते हैं क्या जी? वोट तो आप इन्हीं को देंगे? वोट ऐसा है, सुनो, वोट है सरकार या आती जाती किस चीज में, हमारा अधिकार है वोट देने का, हम ये नहीं कहेंगे वोट हम देंगे। इस बार भी इनको किसी नए चेहरे को देखेंगे? नए चेहरे अच्छा वाला जी, अच्छा वाला जो काम करेगा भाई उसको देंगे वोट, हम अधिकार है हमारा। सड़क बननी चाहिए क्योंकि पर्यटक स्थल, सड़क बनना चाहिए पर्यटन स्थल है। आपके क्षेत्र में तो बड़े बड़े नेता हैं, कुछ करते नहीं? अरे ये नेता तो खाली, आज जब मैंने पहली बताया था कि ये नेता यहाँ पर घोषणा कर दिया कुर्सी मिल जाते तो यहाँ देते नहीं, फिर वोट तो फिर आप उन्हीं को देते हैं क्या जी? वोट तो आप इन्हीं को देंगे? वोट ऐसा है, सुनो, वोट है सरकार या आती जाती किस चीज में, हमारा अधिकार है वोट देने का, हम तो ये नहीं कहेंगे वोट हम। इस बार भी इनको किसी नए चेहरे को देखेंगे? नए चेहरे अच्छा वाला जी, अच्छा वाला जो काम करेगा भाई उसको देंगे वोट हम, अधिकार है हमारा वोट हम। सड़क बननी चाहिए क्योंकि पर्यटक स्थल, सड़क बनना चाहिए पर्यटन स्थल है, अरे यहाँ से 9 किलोमीटर उधर चेन्नई बनाल गाँव तक जी मिलना था, तो उसके बारे में भी है, और आगे ये पूरे खड्डे है बिल्कुल। कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी सवाल इन्होंने कहीं ना कहीं सरकार पे भी दागे हैं, नेताओं पे भी दागे हैं कि बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है बधाणी ताल, और अभी तक सड़क की स्थिति बेहद ख़राब है, बरसात होती है तो जो बहुत दिक्कतें होती हैं, दुर्घटना का बड़ा खतरा होता है, पड़ता हुआ महिलाएं जा नहीं पाती हैं, वाहनों में बिल्कुल स्कूल ही खाकर जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। आगे चुनाव भी कार्य बहिष्कार की बात इन्होंने कही, सॉरी चुनाव बहिष्कार की बात इन्होंने कही है, तो कहीं ना कहीं देखना होगा क्या इन अब क्या होता है, सड़क का निर्माण कब तक होता है, कब तक इस तरह का सुधारीकरण होता है, और इस बार जो वोट होते हैं, इस बार बधाणी गांव की जो जनता है, जो मतदाता है, क्या उनका इस बार इस चुनाव में 2022 के चुनाव में क्या उनका मकसद है, किसको वोट करते हैं, और नया जनपद से उनकी क्या उम्मीद है? आपने सुनी तो देखते रहे पहाड़ टीवी, नमस्कार। जोशीमठ औली में रविवार को स्थानीय लोगों के साथ ही यहां पहुंचे पर्यटकों ने वर्ल्ड स्नो डे धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान भारी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों ने बर्फ में खेलकर जमकर लुत्फ उठाया। हर वर्ष जनवरी माह के दूसरे रविवार के दिन वर्ल्ड स्नो मनाया जाता है। हाल ही में औली में हुई तेज बर्फबारी में खेलकर इस वर्ष का स्नो डे मनाया। कुछ दिनों पूर्व औली में हुई बर्फबारी के बाद यहां का मौसम भी साफ बना हुआ है। सुहाने मौसम के बीच यहां पहुंचे पर्यटकों ने एक दूसरे पर बर्फ के गोले बनकर
जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जहां धर्म संसद में भड़काऊ भाषण और महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में वे मुकदमे में फंसे हैं। वहीं अब यति नरसिंहानंद पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर दिल्ली से घटनाक्रम को कवर करने गई मीडिया टीम से बदसुलूकी को लेकर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वजीम रिजवी की गिरफ्तारी के विरोध में अन्न और जल सत्याग्रह पर बैठे यति नरसिंहानंद का इंटरव्यू लेने के लिए कल दिल्ली से एक मीडिया टीम हरिद्वार पहुंची थी। इसी दौरान तीखे सवाल पूछने पर यति नरसिंहानंद मीडिया टीम पर भड़क गए थे और यति नरसिंहानंद और उनके साथियों ने टीम को पकड़कर उनके कैमरे आदि जब्त कर लिए थे। उत्तराखंड के 13 जिलों में सबसे महत्वपूर्ण जिला चुनाव आयोग के लिए उधम सिंह नगर रहने वाला है, क्योंकि प्रशासन की जानकारी के अनुसार यही सबसे अधिक चुनाव में गड़बड़ी होने की संभावना है। प्रशासन के होमवर्क के अनुसार 400 से अधिक अति संवेदनशील और 300 से अधिक संवेदनशील बूथ हैं, जबकि कुल बूथ 1465 है। वहीं जिलाधिकारी उधम सिंह नगर युगल किशोर पंत ने चुनाव पूर्व अधिकारियों की ट्रेनिंग लेते हुए निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने की टिप्स दिए। वहीं डीएम पंत ने बताया कि जिले में कुल 1465 बूथ है, जिनमें 23 ऑक्सिलरी बूथ है। वहीं जिले में कुल मतदाता 12,97,000 है, जिसमें 6,000 सर्विस वोटर भी शामिल है। यही नहीं, जनपद उधम सिंह नगर में सबसे अधिक अति संवेदनशील 400 से अधिक बूथ हैं और संवेदनशील 300 से अधिक हैं, जिसके लिए खास तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, जिससे चुनाव किसी प्रकार से बाधित ना हो सके। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की क्या स्थिति है? अभी तक करीबन 300 प्लस हमारे पास वल्नरेबल बूथ हैं और करीबन 400 के आसपास क्रिटिकल बूथ हैं, और ये वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकल बूथ्स होते हैं, इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है जैसे जैसे निर्वाचन नज़दीक आएगा और जैसे जैसे कैंडिडेट फाइनल होते जाएंगे, तो इसकी उसी हिसाब से इसकी वल्नरेबिलिटी चेंज होती रहती है। हमारे जनपद में 1465 निर्वाचन बूथ हैं और कुछ हमारे ऐसे बूथ हैं जिनमें 1250 से ज़्यादा मतदाता हैं, तो इनमें करीबन 23 ऑक्सिलरी बूथ हम बना रहे हैं। तो इतने ही हमारे पीठासीन अधिकारी और PO1 PO2 PO3 अपॉइंट किए जा रहे हैं और 10% का हम रिजर्व रख रहे हैं, ताकि अगर मानो किसी का स्वास्थ्य खराब होता है या कोविड इन्फेक्शन होता है तो हमारी मतदाता की जो मतदान टीम है वो पूरी की पूरी बनी रहे। जिले में करीबन 12,97,000 के आसपास मतदाता हैं और करीबन 6,000 के आसपास सर्विस वोटर। कांग्रेस के बड़े नेता और राजपुर रोड से पूर्व विधायक राजकुमार ने बड़ा दावा किया है। राजकुमार ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कामों में तकरीबन 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में स्मार्ट सिटी को लेकर जो कार्य योजना तैयार की गई थी, उसे भाजपा सरकार ने बिल्कुल बदल दिया था। इस शहर में कई 100 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए हैं, जो कि जनता के पैसे की बर्बादी है। कांग्रेस नेता राजकुमार ने कहा कि देहरादून स्मार्ट सिटी के कामों में धीरे धीरे 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इन विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन होगी, जिसमें कांग्रेस सत्ता में आएगी। सत्ता में आने के बाद सबसे पहले भाजपा की इसी घोटाले की जांच की जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उधम सिंह नगर जनपद के SSP को हटा दिया गया है। उनकी जगह DIG बरिंदरजीत सिंह को जनपद की कमान सौंपी गई है। इससे पहले भी बरिंदरजीत सिंह लोकसभा चुनाव में जनपद में शांतिपूर्वक चुनाव करा चुके हैं। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उधम सिंह नगर जनपद में बड़ी कार्यवाही की है। निर्वाचन आयोग ने जनपद के कप्तान दलीप सिंह कुंवर को हटा दिया है। जनपद में आयोग की इस कार्यवाही के बाद हड़कंप मचा हुआ है। धनौल्टी से आपके प्रत्याशी अमरिंदर बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आखिर संविधान की जीत हुई है। उनके द्वारा धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई थी, जिसको लेकर प्रीतम सिंह द्वारा 12 जनवरी को खुद ही अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया गया था। वहीं 15 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तौर पर ये सत्य की जीत है, ये संविधान की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। और हालांकि इसमें देर हुई, ये काम सितंबर में हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है और उन्होंने इसमें शिकायत नहीं की, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मुझे इस मामले में याचिका दायर करनी पड़ी और मैंने इसमें नवंबर में याचिका दायर की, और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जी ने पूरी कार्रवाई इस पर जो थी वो उस पर प्रीतम पवार जी से जवाब तलब किया और उसी को लेकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो उसका जवाब नहीं दे पाए। और भले ये कार्रवाई देर से हुई है, लेकिन ये लोकतंत्र की जीत है और दो तीन चीज़ें बड़ी स्पष्ट हो जाती है इन चीज़ों इस इस्तीफे के साथ ही। पहली बात तो प्रीतम पवार जी ने ये स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने गैरकानूनी रूप से जो है अब तक वो विधायक बने हुए थे, और अब उन्होंने इस्तीफा देकर के ये स्पष्ट हो गया है कि उन पर दल बदल विधेयक लागू होता है। तो अगर उन पर दल बदल विधेयक लागू होता है तो सितंबर से लेकर के आज तक
उत्तराखंड की जनता का जो पैसा उन्होंने वेतन भत्ते के रूप में तकरीबन 20 लाख रुपए लिया है, वो उत्तराखंड उनको नैतिकता के आधार पर एक अच्छे जन प्रतिनिधि का व्यवहार दिखाते हुए जैसे इस्तीफा दिया है, उसी तरह से राजकोष में जो वेतन में और विभिन्न भत्तों में जो उन्होंने पैसा लिया है वो जनता का पैसा वापस कर देना चाहिए। मानते हैं आज लोकतंत्र तो इनके लिए रही नहीं गया है, परंपराएं इन्होंने इस उत्तराखंड में 2017 के चुनाव से खराब कर दी है। पता ही नहीं चल रहा है, ये अपने टिकट फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कांग्रेस वाले का टिकट कटेगा तो हम उसको बीजेपी से टिकट दे देंगे, बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि वहाँ से यहाँ से कटेगा तो मैं कांग्रेस में चले जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं हरीश रावत जी खुद कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में इतने बीजेपी वाले आने वाले हैं कि मैं डंडा लेकर के बैठा हूँ, इनको आने नहीं दे रहा मैं यहाँ। तो निश्चित तौर पर परंपराएँ समाप्त हो गई है। कांग्रेस की तरफ से लड़ने वाले 2012 में जो कांग्रेस की तरफ से लड़े, वो 2017 में 15 ऐसे लोग थे, डेढ़ दर्जन ऐसे लोग थे जो बीजेपी की तरफ से लड़े, और इस बार तो आप देखेंगे कि डेढ़ दर्जन से ज़्यादा लोग जो पिछली बार विधायक बीजेपी की तरफ से थे वो इस बार कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे। तो हम कह रहे हैं कि ये दोनों सगे भाई है, ये एक पार्टी में है। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि ये दोनों एक तरफ है, आम आदमी पार्टी एक तरफ है, आम आदमी पार्टी जनता की तरफ है, और ये दोनों पार्टी जनता के खिलाफ है, एक होकर के जनता के। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई की है। उत्तराखंड एसटीएफ ने कल हरिद्वार विकास कॉलोनी में छापेमारी कर 4,57,00,000 रुपए के पुराने नोट बरामद किए हैं। टीम को सभी नोट कॉलोनी में खड़ी हुई एक गाड़ी से मिले हैं। इसमें सभी पुराने नोट 500 और 1,000 रुपए के बंडल में हैं। मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ ने मामले में 7 लोग को गिरफ्तार किया है, बदलने के लिए लाई जा रही थी। विकासखंड मुनस्यारी के तल्ला जोहार क्षेत्र के नाचनी में स्वर्गीय अमर राम वर्मा क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का आयोजन हो चुका है। मैच के प्रथम दिन पहला मैच गौचर वर्सेस सामा के मध्य खेला गया। मुख्य अतिथि SBI बैंक मैनेजर नवीन कुमार के साथ में जगदीश कॉलोनी मुख्य प्रायोजक तरुण वर्मा, खेलकूद समिति अध्यक्ष लाल सिंह कोश्यारी, आयोजनकर्ता व्यापार मंडल अध्यक्ष हरीश आदि मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। आपकी गंगोलीहाट विधानसभा प्रभारी बबीता चंद ने भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन पार्टियों ने पिछले 20 वर्षों में प्रदेश में राज किया और प्रदेश का विकास पूरी तरह से ठप किया है। जनता इस बार भाजपा कांग्रेस की ठगी में नहीं आने वाली है। प्रदेश में आपकी सरकार बनने के बाद युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान देने के 5 गारंटी दी जा रही है। समस्याएं हैं, गरीबी बहुत है पहाड़ों में। यहाँ पे जो भी नेता अभी तक विधायक बन के आया, कांग्रेस वाला हो या भाजपा वाला हो, तो कोई भी क्षेत्र में नहीं गया है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ तो सभी ऐसा कहते हैं, सारे नेता आते हैं बोल के जाते हैं दोबारा आएंगे, जीतने के बाद कोई शकल नहीं दिखाता। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक एक बात की गारंटी दी है। हमने 5 गारंटी अभी तक दी है। पहला है बिजली, 300 यूनिट बिजली फ्री है 5 साल तक। दूसरा, घर घर जाके हमने रोजगार गारंटी के कार्ड बांटे हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं 12th BA MA जो भी हैं, उनको 5,000 रुपये बेरोजगार भत्ता मिलेगा हर महीने, जब तक परिवार में से एक जने को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। और तीसरा, में हमने 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए तीर्थ यात्रा कार्ड बांटे हैं। और चौथी गारंटी है, महिलाओं के लिए 1,000 रुपये पर मंथ वाले महिला गारंटी कार्ड आए हैं। और पांचवी गारंटी है हमारी सरकार की, अगर जो भी शहीद होता है बॉर्डर पे तो उसके परिवार को 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। और दूसरा, टिकट वितरण के बाद संभावित बगावत को कम से कम करने के लिए भाजपा ने अपने सभी 7 सांसदों की अगुवाई में टीम बनाने का फैसला लिया है। ये टीमें टिकटों के ऐलान से पहले ही सक्रिय हो जाएंगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि कई सीटिंग विधायकों के साथ कई दावेदारों की मुराद पूरी न होने पर वे बगावती तेवर अपना सकते हैं। यदि वे चुनाव लड़ते हैं और 3-4 हज़ार वोट लेकर अधिकृत प्रत्याशियों को नुकसान पहुँचाते हैं तो इससे राह मुश्किल होगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी, उत्तराखंड।